अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने के पकोड़े। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप के करीब पुदीने के पत्ते, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 से 1.5 मैंने लिए हैं आलू जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। और मेरे पास 6 से 7 जो हैं सब्ज़ मिर्च हैं और तकरीबन 2 से 3 जो हैं वो मेरे पास हैं सब्ज़ प्याज, वो मैंने कट करके रख लिया है। और अभी ये मेरे पास है 1.5 कप के करीब जो है बेसन, इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने ली है इसमें हल्दी। और हल्दी डालने से ही आपके पकोड़ों का जो है वो कलर बहुत अच्छा होगा। और मैंने 1.5 टीस्पून के करीब जो लिया है मैंने साल्ट लिया है। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी कैसे बन सकते हैं। और यहाँ पे अब आपको गौर से देखना है कि कौन कौन से जो हैं ट्रिक्स और टिप्स हैं जो अप्लाई किए जाएँ तो पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और कलर बहुत अच्छा आता है। और अभी हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है ये है मेरे पास अजवाइन, कैरम सीड जिसको बोलते हैं, वो हम डालेंगे। और अभी हम ऐड करते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और हम अपने ड्राई स्पाइसेस को पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मेरे पास हैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्च जो मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब मेरे पास जाएगा धनिया, नो धनिया पुदीना, क्योंकि मेरे पकौड़े में आज स्पेशल जो है वो पुदीना है। और ये मेरे पास है प्याज, प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक कट नहीं किया। मैं हमेशा जो है वो पकौड़ों के अंदर जो प्याज डालती हूँ वो थोड़ा मोटा मोटा सा डालती हूँ। और ये मेरे पास है सब्ज़ प्याज और ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्याज था वो उस बाउल में आ नहीं रहा था तो मैंने सेपरेट रख दिया। अभी जो है मैं इस बैटर को पहले अच्छे से मिक्सअप करूँगी। मैंने अभी कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करना, मैं लेटर यूज़ करूँगी पानी, लेकिन मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी ताकि जो भी इसके अंदर पानी है आलू के अंदर या प्याज के अंदर वो अच्छे से मेरे बेसन के अंदर मिक्स हो जाए ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितना पानी चाहिए। और आपको भी इसी तरह ही करना है, आपको अपने स्पाइस को अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है और थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है अपने बैटर के अंदर और उसी से उसको मिक्सअप करना है। और आपके बैटर का टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दफ़ा में इतना ज़्यादा पानी डाल दें और आपके पकोड़े जो हैं वो बाद में बिल्कुल ही सॉफ्ट बने और ऐसे पतले पतले बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपको हमेशा थोड़ा पानी लेना। और ये देखें कितना जो है वो थिक बैटर है इसका और इसकी टेक्सचर कुछ इस तरह से हो कि आप हाथ में पकड़े तो आपके हाथ में से नीचे ना गिरे, सी ऐसा होना चाहिए आपका टेक्सचर पकौड़ों का। और हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करेंगे और इसके बाद इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। और इसके बाद जो है वो बहुत अच्छे से ये राइस हो जाते हैं पकौड़े और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। तो ये जो है टिप्स एंड ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें पकौड़े कैसे मज़े के बनते हैं। और पुदीने के पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तकरीबन जो है मैंने यहाँ पर 400 या 500 ग्राम के करीब जो है वो ऑयल लिया अपनी कढ़ाई में और मैं सिर्फ टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने एक पोटैटो डाला कि मेरा जो है वो ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो अभी मैं डाल रही हूँ पकोड़े और ये देखें जब मैं हाथ से पकोड़े पकड़ रही हूँ तो वो बिल्कुल भी कोई भी ड्रॉप नीचे भी नहीं गिरता, बहुत ड्राई सा इसका बैटर बनाएं आप। और मैं स्पून का यूज़ नहीं कर सकती, अगर आप स्पून से डालना चाहते हैं तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो पकौड़े हाथ से बनाना अच्छा लगता है, हाथ से ऑयल में डालना अच्छा लगता है। और एक तो शेप बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत प्यारी लगती है। और साइज़ मैंने जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल लिया, मीन कि मैं बहुत छोटे साइज़ में बना रही हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ। उससे ये होता है एक तो कुक जल्दी हो जाते हैं, कलर चेंज नहीं होता और खाने में भी बहुत क्रिस्पी लगते हैं, अंदर से भी आपको कच्चे नहीं लगेंगे। तो इसलिए कभी भी आप डालें तो अगर तो ट्राई कर सकते हैं हाथ से डालें पकौड़े, हाथ से डाले हुए पकौड़ों का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो अभी हम जो है इसका वेट करेंगे, 1 साइड हमारी जैसी कुक होगी फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे।
और अब देखिए हमारी वन साइड जो है वो ऑलमोस्ट खो चुकी है, और मैंने तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट दिया, और मेरी आंच जो है वो चूल्हे की वो बिल्कुल जो है वो लाइट कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम सी आंच पे मैं इसको कुक करूँगी। और अभी मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, और देखें कितने मज़े के, और अभी से वो लुक क्रिस्पी लग रहे हैं, माउथ वाटरिंग। अब देखिए हमारे पकोड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और आपके पकोड़ों का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना जो है वो जब आप बाहर निकालते हैं तो पकोड़े बड़े अजीब से लगते हैं। और कोशिश करें जब आप पकोड़े बनाएं तो थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालें या फूड कलर डालें, उससे ये है कि पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आता है। और अच्छी क्वालिटी का जो है वो बेसन यूज़ करें। और अब हम अपने पकोड़ों को करेंगे डिश आउट। ऑयल को अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि जो है वो आपके पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा ऑयली ना लगे। आपको निकालने से पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है ताकि ऑयल अच्छा सा निकल सके। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर और कितने यम्मी लग रहे हैं। और ये पुदीने के जो पकोड़े हैं आप बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।